यार बड़ी तगड़ी चीज है। देखा हम पहुंच चुके हैं, हुआ क्या था, द बर्थ प्लेस ऑफ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और हम जा रहे हैं जबलपुर से दिल्ली। और यहाँ पे 3 सब्सक्राइबर भाई मिले थे परमानेंट, अरमान, अभिजय हर्ष AAH, और ये हर्ष भाई और अभिमान भाई कुछ लेते आए हैं हमारे लिए। यार बड़ी तगड़ी चीज़ है, एक बार खोल के दिखाया, बहुत तगड़ी चीज़ है यार, हमने दिल्ली में नहीं देखी ऐसी कभी। और ये भाई लेके आए हैं, और इसको कहते हैं क्या कहते हैं भाई, जलेबी। किसकी? खोए की जलेबी। खोए की जलेबी, तो अब देखते हैं दिल्ली तक जाएगी नहीं जाएगी, कह रहा चली जाएगी। और बिल्कुल फ्रेश है, गरम गरम है, हाथ लगाओ ना मज़ा आ जाता है। एक पीस और खाते हैं इसी बात पे। तुम भी ले यार, आधा आधा तो ले, आधा तो ले भाई, इसमें गड़बड़ लग रही है मेरे को, आधी तो लेनी पड़ेगी तेरे को। अबे तोड़, बस तोड़, खींच थोड़ी सी, तू खींच। तो चलो प्यार बांट दिया, बहुत फ्रेश है और टप टप हो रही है, देखो पता नहीं दिल्ली तक कैसे जाएगी। अब यहाँ से चलते हैं स्टेशन, मुंह मीठा हो गया, स्टेशन चलते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं स्कूटी पे, पीछे वो भाई बाइक चला रहा है, मेरा बाइक चलाने का मन नहीं था तो मैंने कहा हम स्कूटी के पीछे बैठेंगे। और यहाँ पे अरमान अपनी स्कूटी निकाल रहा है, और यहाँ पे बाबा क्या हाल है, बढ़िया। ओके, तो जैसे कि आपने देखा हम पहुंच चुके हैं बाइक वापस देने, और यहाँ पे फॉर्मेलिटी जो है उनके पास आधार कार्ड है और जो बैलेंस है हमारा वो वापस लेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। हाँ जी, तो बाइक हमने दे दी है ना भाई, और फॉर्मेलिटी सारी प्रॉपर अच्छी होगी, और यार काफ़ी अच्छी सर्विस है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा, अगर कभी भी जबलपुर आओ बाइक लेना चाहो। इन्हें भी नहीं पता था है ना, तो हमने भी बता दिया, अब ये कहते हैं हम भी लेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ एक और बात, अभी अभी भाई ने बताई कि जबलपुर में हुआ क्या था, द बर्थ प्लेस ऑफ स्नूकर, ठीक है, जो स्नूकर था ना, पक्का ना? हाँ पक्का पक्का भाई, कन्फर्म बनता है कि जबलपुर में स्नूकर का बर्थ हुआ था। यहाँ देखो लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, जबलपुर द बर्थ प्लेस ऑफ स्नूकर 1875 ब्रिटिश आर्मी मेस, क्या बात है। तो ये भाई ने देखा, एक और चीज़ बताई, मैं भी खेलता था काफ़ी टाइम पहले स्नूकर, बट आज ये पता लग गया हिस्ट्री क्या स्नूकर की है ना। तो यार ये भाई देख लो, बैग पकड़े आ ही नहीं रहा मेरा, कह रहा भैया मैं ऊपर तक क्या दिल्ली तक जाऊँगा छोड़ने के। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन पे, ट्रेन में मिलते हैं हम। तो फाइनली अरमान जा रहा है यहाँ से, थैंक यू भाई आने के लिए, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके चल बाय, थैंक यू आने के लिए, जल्दी मिलेंगे दोबारा। और ये भाई हमारे साथ आगे चल रहे हैं। ओके, तो टाइम हो रहा है 5:11, 5:30 की ट्रेन है, और भाई लोग जा ही नहीं रहे, कह रहे हम आपके साथ बैठेंगे। तो वेटिंग रूम में भी हम वेट कर रहे हैं और बातें शातें कर रहे हैं, फुल ऑन है ना, मस्ती मार रहे हैं। और मैंने बोला जब नेक्स्ट टाइम दिल्ली आएंगे अगर ये ना मिले ना मेरे से, तो मैं इनके घर पे आके मारूंगा, जबलपुर नहीं आऊँगा बट मारूंगा इनको किसी भी तरीके से। तो थोड़ी और बातें करते हैं और ट्रेन में मिलते हैं यार, ट्रेन ही आ जाए, आ जाएगी आ जाएगी। हाँ भाई मज़ा आ रहा है, बहुत क्यों, क्या मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम्हें मजा आ रहा है, पता नहीं यार, एसी के बाहर, अरे एसी के बाहर बिना टिकट, बिना टिकट के ये तो B2 को जाते हुए B2 था, आते हुए भी B2 है, आते हुए भी B2 था, जाते हुए भी B2 है, उस टाइम 37 थी, इस टाइम 32 है, क्या बात है, टाइम हो गया ना ये तो। तो थैंक यू भाइयों, आप लोग आए यार छोड़ने, अंदर तक छोड़ रहे हैं, बट इससे आगे मैं शॉट नहीं ले रहा, अंदर चल के मिलेंगे, थैंक यू, क्योंकि अंदर लाइट नहीं होता, थैंक यू यार। और मैं बोल रहा हूँ ऑन वीडियो, दिल्ली आओ तो मिल के जाना, ठीक है भाई, थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे प्यार देते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, ये भाइयों ने इतना प्यार दिया ना, सीरियसली बहुत अच्छा लगा, मेरे अपने सगे भी नहीं देते इतना जितना इन्होंने दिया, थैंक यू, बिग थम्स अप आप लोगों के लिए और इनके लिए। तो ट्रेन चल पड़ी है यहाँ से, और जबलपुर क्रॉस हो चुके काफ़ी देर पहले, और भाई लोग भी चले गए, अच्छा लगा था यार आप लोगों से मिलकर। अगर आप वीडियो देख रहे हो थैंक यू सो मच, इतना जो प्यार दिया आप लोगों ने उसके लिए, एंड ऐसे प्यार देते रहना यार आप लोग सारे। मिलते हैं आपको आगे, और इस टाइम पर मैं ज़्यादा रास्ता नहीं दिखाऊँगा, बिकॉज जाते हुए मैंने आपको दिखाया था, तो इस टाइम पर थोड़ा सा देखिए रास्ता वही है, और जब अभी डिनर करेंगे तो डिनर पर आपसे मिलते हैं सीधा। और हाँ जबलपुर वाला मज़ा आ गया बहुत, जितने बंदे भी है बहुत है, मतलब थैंक यू सो मच।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं पिपरिया और हमने भैया से पूछा था, भैया क्या नाम है आपका? पंकज सिंह। पंकज सिंह जी से पूछा था मैंने कि कुछ खाने का मिलेगा, तो भाई ने बोला कि भैया मैं भी पहली बार आया हूँ। तो भैया यहाँ पहली बार आए हैं इस जॉब में? और आपकी मतलब जबलपुर से दिल्ली तक? दिल्ली तक। क्या बात है, वहाँ पे फिर रेस्ट मिलता है या वापस? हाँ, रेस्ट मिलता है वही 6-5 घंटे। 5 घंटे का रेस्ट? यार क्या बात है, और देख लो आप लोग क्या मस्त जिंदगी जीते हो। कितनी सैलरी भैया आपकी? 1000 रुपये बैठ रखता है आने जाने का, मतलब आना और जाना 1000। चलो अच्छी बात है। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, आ गए। होगी होगी, यूट्यूब पे आएगी, ठीक है। चलिए तो ठीक है, देखते हैं आगे, कुछ खाना मिलता है तो खाना खाएंगे और बताएंगे क्या खाएं। इटारसी में? चलिए इटारसी में बुलाएंगे। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं इटारसी और हमने कर लिया है यहाँ पे डिनर। उसके बाद अब चल रहे हैं अंदर और अब चलेंगे सीधा सोएंगे। तो अंदर जरा रश ज़्यादा हो गया तो इस करके बात नहीं हो सकती, तो बाहर आ गया था। चलो सोते हैं। तो बेड हमने सेट कर लिया है, बस यहाँ पे भी सोने वाले हैं। आज हमारी ये वाली बर्थ है, पिछली बार हमारी ये वाली थी, तो इस पे सोते हैं आज। सुबह के बज गए हैं 9:40 और मैं उठ चुका हूँ और काफ़ी अच्छी नींद आई। एंड ये देखिए ऐसे सोए हैं, यहाँ पे बैग एक, वहाँ पे बैग दो, और हम यहाँ पे। तो यहाँ से चलते हैं दिल्ली, ऑलमोस्ट मथुरा पहुँच गए। 1.5 घंटे में दिल्ली आ जाएगा, घंटे के अंदर, 1 घंटे 20 मिनट। तो सीधा मिलते हैं आपको हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। तो 11:51 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो फाइनली बज रहे हैं 1:30 और मैं पहुंच चुका हूं घर। और इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा दिखाया नहीं मैंने आपको, क्योंकि ट्रेन का सफ़र हमने आपको पहले भी दिखा दिया था, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा नहीं दिखाया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी रिलेटेड, तो Q&A होने वाला है, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, आईडी यहाँ से आ रही है, तो वहाँ पे सारे आपके आंसर्स मिलेंगे आपको बहुत ही जल्दी। तो यहाँ से इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, गुड नाइट, लव यू। और हाँ, जैसा प्यार दिया है मध्य प्रदेश जबलपुर वालों ने, वैसे ही आप लोग भी दीजिए। और अपनी स्टेट का या सिटी का कमेंट कीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से हैं आप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू।